हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जेब्रा ZC 300 आईडी कार्ड प्रिंटर का आपको एक डेमो और थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जितने की मेरे को पता है। ये देखिए आईडी कार्ड है, बहुत ही छोटे साइज़ का है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, और डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए इधर एक छोटा सा डिस्प्ले है, 2-3 इंच का कुछ डिस्प्ले रहेगा। इधर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये देखिए ये रिबन इन्फो, ये देखिए कितना बाकी है, कितना प्रिंट किया हुआ है, ये सब जानकारी आपको इधर मिलेगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने अभी तक कुछ इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में मैं भी गया नहीं। इधर इसका रिबन आता है, देखिए ये देखिए इधर इसका रिबन आता है, ये रिबन है। 300 पैनल इसमें कुछ प्रिंट करता है, देखिए। आज मैं आपको इसमें एक आईडी कार्ड का जॉब था, ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। इसका नंबर वंबर सब मैंने चेंज कर दिए है प्राइवेसी पर्पस के लिए। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक, ओके। तो मैं आपको एक प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए इसका पेज का साइज है जो 86x54, ये देखिए इसी साइज का इसमें प्रिंट होता है। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ अभी, आप क्वालिटी भी देख लो इसकी कैसी आती है। ये देखिए प्रिंट हो रहा है, टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं कि कितने टाइम में प्रिंट होके आता है। इसमें एक दिक्कत है कि आप जब भी इसको रिस्टार्ट करेंगे या स्टार्ट में चालू करेंगे तो इसमें एक पैनल यूज मतलब एक पैनल वेस्ट हो जाता है। एक इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी इसका क्वालिटी आप देख लीजिए। तो कस्टमर रहते इसके लिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। देखिए बैक साइड का मैंने जो कि एक यूज किया था उसके ऊपर ही प्रिंट किया है। ये देखें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिला है मुझे। ब्लैक तो ठीक है, लेकिन इधर का जो मैजेंटा कलर का मैंने लिया था, एक्चुअली ये बहुत ही छोटा है। ये देखिए इसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से नहीं प्रिंट हुआ है। ये देखिए लोगो भी बहुत ही छोटा है, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए अभी ये जूम करके पीसी में तो अच्छा दिखेगा। देखिए फोटो देखिए आप, फोटो सेम टू सेम आया। ये देखिए फोटो देखिए, फोटो एकदम ठीक ठाक है। बाकी का ये मैटर भी ठीक है, लेकिन जो पतला जो रहता है, ये देखिए इसका सिग्नेचर, ये थोड़ा इतना नहीं हुआ क्योंकि इधर भी वो छोटा है। आपको लगता होगा कि क्वालिटी अच्छा नहीं आया, लेकिन आप भी देखिए 100% जूम में। ये देखिए ये मैटर एक्चुअली बहुत छोटा है। ये देखिए सेम साइज का मैंने किया है मैटर को, तो इसके हिसाब से ही प्रिंट हुआ है। अब देखिए तो प्रिंटर ओवरऑल आप देखेंगे तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, प्रिंट भी अच्छा आता है। ये देखें अब ये देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने प्रिंट किया था। सबका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा है, इसी वजह से ये भी अच्छा है। तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा फॉन्ट साइज आपको बड़ा और थोड़ा डार्क रखना चाहिए। अभी मेरा भी नया है तो मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ इससे, आगे आपको मैं बताता रहूँगा कि क्या कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।